हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अवैध खनन को रोकने के लिए ऊना में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए दो प्रकार के प्लान बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा। शॉर्ट टर्म प्लान के तहत तुरंत एक्शन होगा, जबकि लॉन्ग टर्म में अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए स्थायी एक्शन होगा। उन्होंने खनन विभाग में कर्मियों की कमी की बात को भी स्वीकार किया और भविष्य में इस कमी को पूरा करने की बात कही। उद्योग मंत्री ने खनन विभाग के साथ साथ पुलिस और कुछ अन्य विभागों को भी अवैध खनन रोकने के लिए प्रयास करने के लिए बल दिया। केसेस समय समय पे आते हैं, मगर प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि सरकार ने एक फैसला किया है कि इलीगल माइनिंग हिमाचल प्रदेश के किसी भी कोने में इलीगल माइनिंग नहीं चलनी चाहिए। आज मैंने जिला की जो मीटिंग रखी है इलीगल माइनिंग इस ज़िले में किस तरह से रोकी जाए, किस तरह से इलीगल माइनिंग को कम किया जाए, उसके लिए हमने एक विस्तृत रूप से एक ज़िला प्रशासन की सभी विभागों की मीटिंग रखी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, एसपी है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है, पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, इस पर कैसे नकेल डाली जाए। और ये सख्त आदेश मुख्यमंत्री जी के हैं मुझे, और कैबिनेट में भी ये चर्चा हुई और मुझे सख्त का आदेश कहा है कि ज़िले के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए जाएं कि इलीगल माइनिंग कोई भी कर रहा हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति कर रहा हो, उसको रोका जाए। और इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए चाहे वो ड्रग्स की तस्करी है, चाहे और इलीगल वर्क्स है, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चलेगी। ये मैं आज ज़िला प्रशासन को भी सख्त आदेश, अभी मेरी विस्तृत रूप से चर्चा भी हुई है और मीटिंग में मैं मुख्यमंत्री के जो आदेश है और हिमाचल सरकार और मंत्रिमंडल के आदेश है, विस्तृत रूप से मैंने सब अधिकारियों को आज बताना है और ज़िला ऊना में किस तरह से इलीगल माइनिंग को रोका जाए उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हम एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे। सर, शॉर्ट टर्म प्लान में तो हम तुरंत प्रभावी कदम क्या उठाए जाएँ वो हम करेंगे, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करेंगे कि उसमें क्या किया जाए। क्योंकि जो ये पत्थर है जो इलीगल नाले खालों से या नदियों से निकाल के लेते हैं, कुछ स्टेट से बाहर भेज दिया जाता है, कुछ हमारे जो क्रशर वाले हैं जो लीगल जिनके पास है वो भी उस पत्थर को खरीद करके पीसते हैं, उनके ऊपर भी किस तरह से नकेल डाली जाएगी वो हम आज निश्चित रूप से उसमें चर्चा करेंगे।